के वकार जगा ने कल एक वीडियो बनाया। अब वकार जगा जी क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐसा केस होता है ना तो भूखे नंगों की तरह आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये केस हॉट चल रहा है तो मेरे को व्यूज बहुत मिलेंगे। तो उन्होंने आके पहले तो एक वीडियो बनाया और वो हमेशा इन लड़कियों के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक उज्मा खान के नाम की लड़की थी जिसके घर में कौन थे वो मलिक रियाज थे जिनके बेटे के साथ जो चीज हुई थी और उनके घर में उसकी बीवी घुस के उसको खूब मारा था। तो उस केस में इसने बहुत बढ़ चढ़ के बातें बोली थी, उनको लेकर भी आया इस पे। और फिर बाद में उसने शो किया इन्हीं लड़कियों पे कहकर कि ये दो नंबर की लड़कियां हैं, ऐसी लड़कियां मीडिया में होती हैं, ये मीडिया की लड़कियां खराब होती हैं, ये बकवास करता है आके। तो ये हमेशा पहले इन लोगों की वो साइड लेगा और फिर उन्हीं विक्टिम को ये ब्लेम करता है। तो इस दफा भी इसने यही करा, पहले इसने बनाया वीडियो कि देखो कितनी बुरी चीज हुई ब्ला 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 ब्ला, और कल इसने आके लाइव आकर इतनी गंदी गंदी उस बंदी को बातें बोली है, इसने इतना उसको गालियां दी है। और किस बात पे? इस बात पे कि हमारे पाकिस्तान को बदनाम कर रही है ये जो है, इतनी फहाशी आप टिकटॉक बनाएंगे, टिकटॉक को बैन करो। तो मैं जरा वकार जका को ना उनकी औकात सिखाना चाहती हूँ कि वकार जका जी जब आपने स्टार्ट किया था ना तो आपका वो लिविंग ऑन द एज, तो उसमें सारा पाकिस्तान अगेंस्ट था आपके, क्योंकि वो कहते थे कि आप हमारी नस्लें बिगाड़ रहे हो। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि उसपे आपने म्यूजिक क्यों चलाया, आपने इंटरव्यू क्यों दिया, क्योंकि वकार चाह रहा था कि पहला इंटरव्यू जो है उनको दिया जाए, ठीक है ना, मगर उस बद्दी ने वो नहीं सुना, उसने जाके इकरार और नो के साथ इंटरव्यू कर दिया। तो इनकी तो गांड सुलग गई कि भाई मेरे को तो टीआरपी नहीं मिली, मेरे को तो वो नहीं मिला, मैं कैसे उसको करूं आपने वहां पे। और फिर कहता है कि उस पे म्यूजिक क्यों चलाया, भाई उनकी मर्जी है, उन्होंने म्यूजिक चलाया, जो भी चलाया, व्हाट एवर द फक द केस इज, व्हाई आर यू फकिंग वरीड अबाउट इट, आपको क्यों गांड में कीड़ा हो रही है। और ये प्रोपेगेंडा की ये बात कर रहा है कि ये टीआरपी के लिए और ये उसने पब्लिसिटी के लिए किया है, ये वो बंदा है जिसने अपनी खुद की पिटाई करवाई थी, खुद पिटाई करवाई थी अपनी, ताकि वो दूसरे बंदे से पैसे लिए थे कि मैं तेरे को फेमस करता हूँ। ये वो बंदा है, इसका जो ट्रिमर का वो चीज बहुत फेमस हुई थी ना, ट्रिमर निकालो मैं तुम्हारे बाल काटता हूँ, बाद में पता चला था कि ये दोनों मिले हुए थे, उस बंदे ने वकार को पैसे दिए थे। ये पैसे लेता है लोगों को प्रमोट करने के लिए। वकार के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, मैं इसके साथ टाइम बिता चुकी हूँ, इसने मुझे आइडियाज दिए थे कि महलीज ऐसे ऐसे करो जिससे तुमको तुम्हारी मार्केटिंग हो, तुम पहले फेमस हो जाओ फिर बाद में पैसों की फिक्र करना। किस तरीके से कहां पे किस चीज को मैनिपुलेट करना है व्यूज लेने के लिए, टीआरपी लेने के लिए, ये बाप है उसमें। तो आप जो आके यहाँ पे प्रोपेगेंडा और ये कह रहे हो ना कि ये पब्लिसिटी स्टंट था, तुम करते हो पब्लिसिटी स्टंट। फिर आजकल इसके दिमाग में इस्लाम जो है ना वो घुस गए, ये इसके खुद के वर्ड थे कि मीडिया में इस्लाम इस्लाम कुछ नहीं होता, शोबिज का कोई मजहब नहीं होता है, ये तुम्हारे खुद के वर्ड थे। अपने गिरेबान हो ना तो उसके अंदर झांक के ना अपने मुंह पे थूकना, क्योंकि आज तुम्हारी थोड़ी सी एज हो गई है, अब तुमने मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी है, तो तुमने इस्लाम की जो है ना चाटना शुरू हो गए हो। पहले तुम्हें इस्लाम नहीं याद आता था, जो नंगी नंगी लड़कियों के साथ तुम यूएस में जाकर स्विमिंग कर रहे हो तब तुम्हें नहीं याद आ रहा था, हाँ डेटिंग पे जो बातें कर रहे हो तो तब तुम्हें नहीं आता। ये बंदा वो आदमी है जो स्नैपचैट पे बैठ के लोगों को कहता है एक्सटेसी लो, ये प्रमोट कर रहा था कि ड्रग्स लो, ठीक है, वहां पे बैठ के लड़कियों से कहता है कि अगर आपने मुझसे बात करी तो मुझे वीडियो मैसेज करो और आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा सेक्स अच्छा लगता है, किस तरीके का सेक्स अच्छा लगता है, कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है, आपका स्टार साइन कौन है, वो सारा कुछ दिखा मिलाकर मुझसे बात करो। किस मुंह से ये बंदा आके कल उस बंदी के ऊपर इतनी कीचड़ उछाल रहा था। और फिर इसने क्या किया, आप ये देखो कि किसी की कोई ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मगर दे हैव सोल्ड इट ऑल, ये है आपके इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव, उसने वो वीडियो हाइड कर दी, कल उसने वो वीडियो ही हाइड कर दी, आज फिर आया है अपनी बात पलट के कि अच्छा अगर वो ऐसे हुआ था मगर हमें ऐसा लग रहा है, अब इसने पूरी स्टोरी दोबारा से चेंज कर ली क्योंकि इसको पड़ी है गालियां कल। तो वकार जका तुम ना थोड़े होश के नाखून ले लो, तुम्हारी तो अब औकात कुछ नहीं है, तुम अपना बिटकॉइन का ही करो, तुम्हें निकाल दिया है मीडिया से इसी वजह से, तुम्हें मीडिया में कोई मुंह नहीं लगाता, कोई नहीं मुंह लगाता इसको मीडिया में, अब इसी वजह से ये यहाँ पर भीख मंगों की तरह आ जाता है, जब कोई न्यूज आएगी ना आप देखना ये लाइव आ जाएगा तब और ये व्यूज बटोरेगा। चलिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, वकार जका के 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं और इसने वीडियो प्राइवेट क्यों किया, क्योंकि गलत था, अगर ये सही होता प्राइवेट नहीं करता। इतने सारे वीडियोस हम देख रहे हैं कि साफ नजर आ रहा है उस लड़की के साथ अब्यूस हो रहा है, हरास हो रहा है, ठीक है। और इसने जो मैंने इसकी स्ट्रीम सुनी थी थोड़ी सी मालिश, इसको म्यूजिक पर एतराज। और मैं एक और बात बता दूं, आप सही कह रही हैं, एक दिन पहले इसने उस लड़की की सपोर्ट में कुछ मिनट का वीडियो बनाया, नेक्स्ट डे क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इस लड़की ने इसको इंटरव्यू या तो दिया नहीं होगा, ये तपा हुआ था। तो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ना इंसानियत और औरतों की इज्जत को
बिल्कुल तार तार करते हैं, म्यूजिक पे एतराज कर रहा है, फिर अच्छा प्राइवेट उसकी ऑडियो मैसेज सुना रहा है, ये एथिक्स हैं लोगों के प्राइवेट का, फिर कह रहा है मैंने 1 लाख रुपए दिए। भाई तुमने 1 लाख रुपए दिए तो तुम फिर उस पर एतराज क्यों कर रहे हो, जता क्यों रहे हो दुनिया को बताने के लिए, ये तो वो सिर्फ हर चीज इसका में जताता स्टंट है। है, वो हर चीज में हाँ जताता है। वो कहता है कि नेकी करके हम यूं क्यों करें, हम नेकी करके यूं क्यों करें, हम तो बताएंगे, हम तो दिखाएंगे। भाई तुम कर रहे हो जिसके उसमें, एक तो इनको दिखाने की बहुत जरूरत है ना, दिखाने की, देखो मैं कितना कर रहा हूँ। अरे ये बंदा एक नंबर का पैसे का लालची बंदा है ये, ही इज सो ग्रीडी। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इकरार ने जो वीडियो किया है, और ये सारे सारे जितने मीडिया में है, दे आर लाइक वल्चर्स, वल्चर्स होते हैं ना गिद्ध, जब कोई चीज मर जाती है ना तो ये उसको आके वकार वो जी की वो नोचते भी नहीं हैं। है, ये वकार नहीं भाई वो वकार भी की की तो दो शादी लाइन्स नहीं है, हैं, मुझे तो डाउट नहीं है। वकार नहीं, वकार, दूसरे जो हैं, इकरार, इकरार हाँ, इसकी इकरार दो साहब। बीवियां हैं। आप ये देखें, 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन इसके व्यूज आए हैं इस पे। मैं नीचे देख रही हूँ यहाँ पर, इसको 1 मिलियन व्यूज कहाँ मिले हैं? 1 मिलियन व्यूज इसको 2 महीने पहले मिले थे। तो इसके लिए ये वीडियो इकरार के लिए तो ऑब्वियसली पैसे बनाने की वो चीज है। जो दूसरा बंदा इनके साथ यहाँ बैठा है, क्या नाम है, यासिर शमी, राइट? यासिर शामी, शामी। हाँ यासिर शमी। तो ये बंदा जो खुद औरतों के खिलाफ बोल रहा था, औरत मार्च के ऊपर, भाई चोर, तो तू अब बैठ के वहां पे औरत की हिमायत करने के लिए बैठा है, इसलिए गए हो तुम? नहीं, तुम लोग हो वल्चर्स, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ वहां पर अपनी टीआरपी, अपने व्यूज और पैसों के लिए गए हो, तुम लोग बिक गए हो। प्रोस्टिट्यूट जो है ना, वो फिर भी तुम लोगों से 10,000 गुना बेहतर है। तुम लोग एक प्रोस्टिट्यूट से भी गिरे गुजरे हो। तुम लोगों ने अपनी गांडे इतनी खोल खोल के बेच दी है मीडिया के लिए और पैसों के लिए। तुम लोगों को डॉलर दिखते हैं, और फिर बैठ के लास्ट वही पॉइंट। चीज, यानी सॉरी मैं खत्म करूँ, कि वही डॉलर जहां जिन मुल्कों से आ रहे हैं उन्हीं मुल्कों को ये गालियां देते हैं। दिखाओ लास्ट ये पॉइंट फिर ये लोग बोले कि ये भी बोला है कल की स्ट्रीम में वकार ने कि तालिबान की जीत पाकिस्तान की जीत है यार, सोचें फिर इसको भेज दें तालिबान, तालिबान की जीत को हाँ। पाकिस्तान की जीत कह रहा है ये, है वहां पर जहां जुल्म होते हैं औरतों पे, जहां जहालत है, ये रेप होते हैं। बहरहाल मैंने इतना ही कहना था, आप कोई और बोलना चाहे। हमारे यहाँ के भी कुछ इस तरह के मौलाना हैं जिनके बयान आए हैं 1-2 दिन के अंदर तालिबान पे, जो सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अल्लाह का बहुत बड़ा वो बता रहे हैं। इसमें सज्जाद नोमानी जी हैं एक, जो यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं शायद, तो उनका आज बयान था कि वो तालिबानी जो है उन्होंने क्या कहते हैं वो मदीने की रियासत जो है वो कायम करने वाले हैं और वो अल्लाह के अल्लाह की ओर से भेजे गए हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे भारत के अंदर, उनके लिए संविधान हमेशा खतरे में रहता है कि हमारा देश का संविधान खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, और ये बाहर वहाँ पे तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले वहाँ पे भेजना चाहिए तालिबान में, ताकि इन लोगों को पता चले कि सेकुलरिज्म क्या है और संविधान, भारत का संविधान क्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस समय तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं भारत के अंदर। वकार ज़कार जैसे लोग जो हैं, ये तो बस ये मुनाफिक हैं। सीधी सीधी जो बात है कि ये इंतहा का मुनाफिक आदमी है, और हमेशा ये इस तरह की बात ही करता है। देखें, अगर कोई इंसान का बच्चा हो ना, वो खातून की जो है इस टाइम साइकोलॉजिकल जो हालत है, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है? और वो जो इस वक्त मीडिया के सामने आ गई है, तो मेरा ख्याल है किसी का राइट नहीं बनता कि उसको हार्शली जज करे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो अभी एक फेज से गुजर रही है, और अभी आने वाले दिनों में उसकी हालत मजीद खराब होगी। क्योंकि अगर तो वो औरत देख रही है कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इस वक्त, मेरे ख्याल है वो डिप्रेशन की तरफ जा रही होगी, ठीक है? एक तो वो है कि ये वैसे ही इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है कि अगर किसी शख्स के साथ इतनी देर इस तरह का तमाशा हो, ये देखें, ये आप इसको एक लिंचिंग के बराबर लें, क्योंकि वो औरत को ये वाकई नहीं पता होगा कि आज वो जिंदा जाएगी कि नहीं। ये आई कैन, वो खुद भी ये कह रही है कि वो ये समझ चुकी थी कि आज वो मरेगी, और बेसिकली ये एक लिंचिंग या रेप के बराबर ही इवेंट है। मैं तो पहले भी ये बात कह रहा हूं कि अगर 400 बंदा ना होता तो शी वुड हैव बीन गैंग रेप्ड, क्योंकि इतने ज्यादा बंदों में रेप नहीं था हो सकता। अगर कम लोग होते तो आई एम मोर देन 100% श्योर कि उसका रेप होना था जरूर, ठीक
ठीक है, सिर्फ इन लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वो बात यह है कि ज्यादा भीड़ में फिर अगर वो क्या उसको कहते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं था कर सकता कि क्या होगा, वरना डेफिनेटली उसका रेप होना था और उसका मर्डर भी हो जाना था। तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, ये वकार जकार जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए उस औरत के बारे में इस वक्त बात करते हुए भी, क्योंकि आई थिंक कि शी माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल टॉर्चर राइट नाउ। अभी PTSD भी बाद में जाहिर होगी और इसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो, मेरा तो ख्याल है कि अगर वो औरत कभी हमारी बात सुनती भी है तो शी नीड्स टू गो टू सम साइकोलॉजिस्ट, सम साइकेट्रिस्ट, उसको अपनी इस चीज को जितना जल्दी डील करना शुरू करेगी उतना उसके लिए बेहतर होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि शी वुड बी इन अ वेरी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड जब ये चीजें कूल डाउन होनी शुरू होंगी, फिर PTSD के सिम्टम्स सामने आने लग जाएंगे। मैं इस पे के बोलना चाहती हूँ कि वकार ने जो पहली वीडियो बनाई ना, तो उसमें इसने यही कहा कि मैंने उससे बात की है, बात नहीं की थी, इसने इससे मैसेज किया था कि आप जो हैं आप बिल्कुल नहीं रोकना, आपका अगर YouTube चैनल है तो आप YouTube पे भी आओ और Instagram पे भी आओ, ये सब कुछ करो, आपको कोई रोकने की जरूरत नहीं, आप बहादुर बनो। और जब उसने वही किया, जब उसने वही की चीज, तो उस पे इन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू, यही वकार जगह आके कह रहा था ये क्रिटिसाइज करो। दूसरी बात, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2014 में, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना, वो लिटरली 2 से 3 मिनट होंगे, नॉट इवन टू, लाइक विद इन सेकेंड्स गाड़ी लगी है, फ्लिप हुई और स्लाइड की है। वो चीज मुझे ऐसे लग रहा था कि टाइम स्लो डाउन, इतना स्लो हो गया और एवरीथिंग वाज गोइंग इन स्लो मोशन कि कब चीज खत्म होगी, कब मेरी गाड़ी जो स्लाइड हो रही थी कब रुकेगी। तो जब इंसान के साथ इस तरीके के जो चीजें हो रही होती हैं, तो आपको तो ये लग रहा है ना कि 1.5 घंटा है 3 घंटा है, उस बंदी के लिए वो टाइम ऐसा जा रहा होगा फॉर एवर, इट वुड हैव सीम्ड लाइक कि वो खत्म ही नहीं होना है। जब आपके साथ इस तरीके की हरकतें होती हैं, योर ब्रेन ऑटोमेटिकली शट डाउन एंड यू फील लाइक इट्स गोइंग ऑन फॉर एवर। ये बात कह देना कि उसने ये चीज अपने ऊपर की होगी, ये मैं मानती हूँ कि उसने वहां पे लोगों को बुलाया, ये मैं मानती हूँ कि उस बंदी को शायद नहीं पता था। कोई बुराई नहीं है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स भी करते हैं, बट द थिंग इज कि ये जो शाम इदरीस हो गए और ये लोगों ने भी मीटअप्स किए हैं, मगर वो सिक्योरिटी लेके जाते हैं, मगर आई डोंट थिंक इस बंदी को वगैरह के साथ भी अच्छा नहीं हुआ था जब उन्होंने, मगर गर्लफ्रेंड के साथ भी हुआ था इसको, इनको ये पता नहीं था, शायद शी इज न्यू दैट शी डिडंट नो और उसने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, राइट। फिर भी किसी को राइट नहीं मिलता है। एक्चुअली ये जहां पे वॉक कर रही थी ना गालिब, तो वहां पे इन्होंने वो बैरिकेड्स लगाए हुए थे, मैंने देखी जो वीडियो, तो बैरिकेड्स लगाए हुए थे और ये अपने 2-3 लोगों के साथ जा रही है। फिर ये आए हैं तस्वीर खींचने के बहाने, पीछे आए हैं 2-3, फिर इन्होंने वो बैरिकेड्स तोड़ के आ गए इसके आगे। सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड एंड दे केम टू हर। तो आप उसी में ब्लेम डाल रहे हो कि, यानी ये बात कह देना कि उस बंदी ने ये प्लान किया था कि आओ मुझको 3 घंटे तक नोचो, मैं मान ही नहीं सकती है कि कोई बंदा हो या बंदी हो ऐसा चाहेगी अपने ऊपर। चले मैं आगे बढ़ती हूँ। राजेश जी, किसी और ने किसी वकार जगह को कोई गाली देनी है इससे पहले कि मैं आगे मूव ऑन करूं? अपनी भड़ास निकाल लीजिए। लबेल ने कुछ नहीं कहा, नो कमेंट्स, वो एक जाहिल इंसान है, मेरे पास उसकी तारीफ। आई थिंक माली, जिसमें मुझे जो एंगल नजर आता है वो ये है कि उसने देखा कि पब्लिक ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, पब्लिक ट्रेंडिंग चल रही है वो वीडियो जिसमें उसे गाली दी जा रही है, तो वो उस बहती गंगा में उसने भी हाथ धो ली। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ ना कि इसके वो जो कल इसने जो वीडियो हटा दिया है ना, क्योंकि मैं सुनी रही थी, फिर हम लोगों की बातचीत होनी शुरू हुई ना, तो मैं वापस गई इसको देखने के लिए, तो वीडियो ही हटा दी इसे। अगर तो ये सही था तो इसने वीडियो क्यों हटाई? सारी मीनारे पाकिस्तान वाली इसने सारी वीडियो हटा दी, आज एक वीडियो की है उसमें इसको कोई व्यूज नहीं मिले इतने। मैं आपको दिखा देती हूँ ना कि वकार का क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि वकार इज टू बिजी ऑन क्रिप्टो करेंसी ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसके अगर आप देख लो यहाँ पर तो व्यूज देखें ना आप, इनके मिलियन 1.17 मिलियन है, मगर इनके व्यूज क्या आ रहे थे, 16K views, 8K views, 12K views, ये वाले जो वो वीडियो था वो ऑलरेडी 300,000K पे पहुंचा था। इसको एकदम से देखो ना नीचे 2 weeks ago 3, ये तो हमारे आते हैं ऐसे तो व्यूज, तो इनका जो है ना बिल्कुल ही डाउन गया हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने जो हेडफोन शो किया था, हेडफोन ही थे ना जो इन्होंने शो किया था, उसमें क्या क्या गंदी बातें नहीं की थी तुमने लड़कियों के साथ, उस वक्त इस्लाम कहाँ गया था, उस वक्त इस्लाम किसकी गांड में घुसा हुआ था, उस वक्त इस्लाम नहीं याद आ रहा था तुमको? नहीं, उस वक्त नहीं याद आता है।
एनीवेज इसको हम करके आगे मूव ऑन करते हैं वकार जगह को फिनिश करके। मालिक एक बात मैं बताना भूल गया, बहुत जरूरी है, इसने कल की जो प्राइवेट किया ना स्ट्रीम, इसने ये बात भी बोली थी कि क्रिप्टो की देखो मेरा नुकसान हो रहा है, यानी तुम बदनाम कर रहे हो पाकिस्तान को, मिना रहे पाकिस्तान को, उससे क्रिप्टो का मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसे मफाद परस्त जिससे सोच नजर आती है। हाँ, ये बात नहीं, ये बात बार बार बोले आया था, हमारा पाकिस्तान बदनाम कर रहा है, मैं बांह फाड़ के रोक दूंगा, हमारे पाकिस्तान को किसी ने बदनाम किया, तुम्हारे पाकिस्तान की औकात क्या है, तुम्हारे पाकिस्तान को पूछता कौन है, थूकता नहीं कोई पाकिस्तान पे, सिर्फ जब तालिबान का या दहशत गर्दी का नाम आता है ना तो पाकिस्तान का नाम आता है, वरना तुम लोग क्यों ग्रे लिस्ट में बैठे हुए हो, तुम लोगों के वहां पे क्रिप्टो करेंसी भी बैन हुई भी थी, और ये कहता है कल कि मैं स्पेस उस पे वो वर्क कर रहा हूँ, वहां पे वो करेंगे, अमेज़न लेकर आएंगे हम पाकिस्तान में, हम पेपैल लेकर आएंगे पाकिस्तान में, पागल हो तुम, पागल हो, ये ऑफिस लेकर आने हैं तुम लोगों ने वहां पर, थोड़ा सा कुछ हो जाएगा, किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया तो फेसबुक ट्विटर इनके ऑफिस को जाके जला देंगे, कौन आएगा, Who's gonna come in your Pakistan? Nobody shits on Pakistan. And you're sitting there defending, hum Pakistani, hum Pakistani. Tu bhi shit, tera Pakistan bhi shit. Gaad ke andar daalo apna tum. Dono cheezein. Okay, sorry. That's it for Vakar Zaka. Mere khayal se inki class ho gayi hai.